ऐसे इवेंट में हूँ, ऐसी जगह पर हूँ जिसे मुझे लगता है कि हमारी फैशन इंडस्ट्री काफी ग्रो करेगी। ये इवेंट क्या है, आइए देखते हैं। सबसे बेस्ट चीज किसी भी इंसान की होती है कि वो आपकी पर्सनालिटी के साथ जो आप चीज पहने वो मैच कर रही हो, और अगर वो यानी जो चीज़ फैशन में आ रही है और वो फिर भी आपको सूट नहीं कर रही, तो आई थिंक उस फैशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एज हैज़ नथिंग टू डू विद यू नो लाइकिंग समवन। अगर आपकी लाइकिंग है, और मेरा ख्वाहिश भी यही है कि मैं म्यूज़िक भी ऐसा प्रोड्यूस करूँ, और म्यूज़िक हो या अपनी स्टाइलिंग हो, जिससे हर कोई रिलेट कर सके। Gorgeous and beautiful. Hadika Kiani is with me today to talk to Ayan. Hadika, you will tell us that you have been a fashion icon in 2010. How do you see the quiz and your own future? In my regular life, I do wear this kind of stuff. You know, it's all covered. It has a lot of variations. There is a comfort level within me. Hadika, always our youth, jo hai, youngsters, girls, always follow fashion. You are always a fashion icon for them. Like we have talked about before. What would you suggest to them that they should follow what they should follow, and you yourself, which fashion follow karti hai? Every thing that looks good, doesn't mean that you know you look conservative. You can still look modern and trendy. जिस तरह लोग regular base पे पहनते हैं, मैं उसको उस तरीके से नहीं पहनती। मैं बहुत सारी टेढ़ी-मेढ़ी चीजें जो है ना वो आपस में mix and match करके पहन लेती हूँ। और हदीका तो काफ़ी पॉजिटिव हैं क्विज और अपने फ्यूचर को लेकर, और यकीनन ये एक पॉजिटिव बात है हमारी फैशन इंडस्ट्री के लिए भी, अगर हदीका जैसे सेलिब्रिटीज फैशन इंडस्ट्री में इस तरह से ही इन रहे।